हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। AES के लिए ये जो करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही है रेगुलरली आते रहेगी, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना वजह के इधर उधर के टाइम पास किए हुए। तो चलिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस केंद्रीय मंत्री ने 2022 के लिए राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ किया है, इन्होंने स्टार्ट किया है? राजनाथ सिंह, जितेंद्र सिंह, मनसुख मांडविया या राजनाथ सिंह? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है मनसुख मांडविया, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी नंबर होगा। यहाँ से आप इनकी इमेज भी देख सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च इट्स ओन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, यानी इन्होंने अपनी कृषि नीति आयोग शुरू करी है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या केरला? तो यहाँ से आप देख पाओगे महाराष्ट्र ने इन्होंने शुरू करी है, कि ये एक्सपोर्ट करने के लिए जो रूल रेगुलेशन है ये खुद से तैयार करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रिसेंटली गवर्नमेंट प्लान्स टू लिंक हाउ मेनी ऑनलाइन एग्री ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विद द ई नेम? तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जिन्हें भी ई नेम का फुल फॉर्म पता है नीचे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि और लोगों को पता चल पाए। तो कितने और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को जोड़ने की तैयारियां चल रही है, योजना बनाई गई है, 8, 4, 6 या 9? तो यहां से आप देख पाओगे इसका राइट आंसर सेंट्रल, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 6 और नए एग्री ट्रेडिंग को शामिल करना जाने वाली है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल में ही इंडियन एयरफोर्स की जो मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज हुई थी, उसमें कौन बाहर हो गई है, कौन से कंट्री बाहर उसने अपने आप को रखा है? यूके ने, यहाँ से आप देख सकते हो ऑप्शन, यूके ने, यूक्रेन ने, रसिया ने या चाइना ने? तो देखिए, सबसे पहले चाइना के साथ तो हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज करते नहीं हैं, ये तो खुद ही निकल गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से आप देख पाओगे इंडियन एयरफोर्स हैड डिसाइडेड नॉट टू डिप्लॉय इट्स कॉम्बैट जेट। देखिए यहाँ से आप देख पाओगे एक्स कोबरा वॉरियर को इन्होंने हटाया है, और क्राइसिस ये कहाँ हो रहा है, यूक्रेन में। तो यूके में ये जो नेक्स्ट होने वाला था, और यूक्रेन जो है अपने आप को इसमें बाहर कर लिया है इसने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस उच्च न्यायालय के राष्ट्रपति ने 4 न्यायाधीशों को नियुक्ति की मंजूरी दी है, दिल्ली, कोलकाता, आंध्रा या बम्बई ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा, प्रेसिडेंट ने जो अप्रूव किया है 4 जज को, वो दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें उससे पहले आपको सूचना में दे दूं, अगर आप AES की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 100 रुपीज़ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सेकेंडली, अगर आप नोट्स लेना चाहते हो मेरे हैंड रिटन, तो 499 में ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेने के लिए क्या करना होगा, yourmithunsinghat@gmail.com पे मेल कर लेना है, और अगर आप इंस्टा पे हो तो then do follow me @imithunsinh। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से आप देख पाओगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रिसेंटली विच स्टेट्स फर्स्ट ट्राइबल CM हेमंत बिस्वाल पासे सभी, उनकी मौत हो गई है, वो किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, उड़ीसा, केरला, मध्य प्रदेश या तेलंगाना? तो यहाँ से देख सकते हो आप, ये जो उड़ीसा के पहले ट्राइबल मिनिस्टर थे हेमंत बिस्वाल, ये उड़ीसा से थे, इनका निधन हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बस ये बताना है कि उच्च न्यायालय ने कॉलेज में हिजाब प्रतिबंध के याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा है, कर्नाटका, केरला, गुजरात या जम्मू कश्मीर? तो देखिए, आपको याद होगा ये कर्नाटका में विवाद हुआ था, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल में ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य में तेजपुर विद्यालय के 19th कॉन्वोकेशन ऑफ तेजपुर यूनिवर्सिटी को संबोधित करेंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा, मणिपुर, आसाम, सिक्किम या नागालैंड? तो यहाँ से आप देख पाओगे आसाम इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको बस ये बताना है कितने वर्षों के लिए सरकार ने 1600 करोड़ रुपए के बजट के साथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राष्ट्रीय रोल आउट को मंजूरी दी है, 4 साल, 2 साल, 5 साल या 3 साल? तो इसका राइट आंसर आप यहां से देख पाओगे 4-5 ईयर्स, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली इन विच स्टेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश्ड? देखिए,
ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, गुजरात में, तेलंगाना में या उड़ीसा में? तो ये राइट आंसर है तेलंगाना में ये क्रैश हो चुका था। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे की बारी है, यहाँ से आप इन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, पेन पेपर पे नोट कर लीजिए, एग्जाम में आने वाले ये क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।